बताना चाहेंगे आज राज ठाकरे अपनी भूमिका जाहिर करने वाले कैसे रहे? नहीं, राज ठाकरे को हम हिंदू महाराष्ट्र में एक शेर के रूप में देखते थे। अब हो सकता है उनका शेर को कहीं हमारे मराठी में कोला कहते हैं और इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं, क्या लोमड़ी कहते हैं, तो वो कहीं लोमड़ी बनाने का काम तो नहीं हो रहा है, उनको कहीं पिंजरे में बंद करने की प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। कभी वो दिल्ली के सामने झुकने वाले नहीं थे, तो उनको दिल्ली की वारी करके आनी पड़ी। और इससे ही पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ उनको तकलीफ देने का काम भी हो सकता है। अब उनकी भूमिका में मुझे विश्वास कि महाराष्ट्रीयन तमाम महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि राज ठाकरे ये दिल्ली के सामने झुकेंगे नहीं, और अपने विचारों में वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के उनके जो विचार है वो विचारों के साथ में मजबूती से खड़े रहेंगे। और दूसरी बात स्पष्ट रूप से कि राज ठाकरे आज सत्ता के खिलाफ बोलेंगे क्या, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सत्ता के खिलाफ भी बोलेंगे नहीं। सर, जिस तरह से सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का स्टेटमेंट है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये किस तरह के सांस्कृतिक मंत्री है? ये तो असांस्कृतिक मंत्री है, इनको संस्कृति का और संस्कार का कोई ध्यान ही नहीं दिखता है। जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य किया है वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के संस्कृति को रास नहीं आने वाला है। ऐसे विचारों को लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे विचारों को कोई थारा नहीं मिलेगा, और वो कैंडिडेट करके लोग उनको उनकी जगह दिखाएंगे।